बुलढाणा जिले के जलगांव जामोद कृषि उपज बाजार समिति द्वारा किसानों को उनकी कृषि उपज का भुगतान नगद राशि के रूप में करना शुरू किया गया है। कृषि उपज समिति के अध्यक्ष प्रसन्नजीत पाटिल ने बताया कि बैंक चेकों के कारण किसानों को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए अध्यक्ष और निदेशक मंडल ने दशहरे के मुहूर्त से भुगतान नगद के रूप में देने का फैसला किया है। साथ ही इस साल के सीजन का सबसे अधिक 4,925 रुपये क्विंटल सोयाबीन की भाव मिला तो किसानों को की खुशी देखते ही बन रही थी। बता दें कि इस फैसले को लेकर किसानों में काफ़ी खुशी देखने को मिली है। विजयादशमीच्या सर्वप्रथम सर्व शेतकरी बांधवांना, व्यापाऱ्यांना, बाजार समितीतल्या हमालांना, कर्मचाऱ्यांना आणि सर्व प्रशासनाला माझ्या शुभेच्छा। आज अतिशय आनंदाचा दिवस आहे। आज जळगाव जामोद कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या असलगा सबयार्डवर एक नवीन सुरुवात या ठिकाणी झालेली आहे। गेल्या अनेक दिवसापासून जे आपल्याला चेक पेमेंट द्यावं लागायचं, त्यामुळे शेतकऱ्यांना अनंत अडचणीला पुढे जावं लागायचं। आज सर्व व्यापाऱ्यांनी त्यामध्ये आम्हाला सहकार्य करायचं ठरवलं आणि नगदी चुकाऱ्यांनी जळगाव कृषी उत्पन्न बाजार समिती जे पुढे हराशी होणार आहे, त्यातला भाग म्हणून आज तो दिवस पहिला दिवस आहे।